अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हर सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको नोटन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक फ्रूट को सिलेक्ट किया है और दोस्तों एक एग्जॉटिक ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए कमकार्ड फ्रूट को सिलेक्ट किया है और दोस्तों कमकार्ड फ्रूट जो है किनो माल्टे की नस्ल में से है और दोस्तों बिल्कुल माल्टे की तरह का नजर आता है और दोस्तों साइज से जैतून से थोड़ा सा बड़ा होता है और दोस्तों देखने के अंदर नारंगी कलर का होता है। काटने से अंदर से बिल्कुल इसका टेक्सचर माल्टे की तरह का होता है और दोस्तों इसका जो जायका है सिट्रस, स्वीट, टार्ट, टैंगी फ्लेवर लिए हुए होता है और दोस्तों इसकी जो स्किन होती है माल्टे की तरह किन्नो की तरह कड़वी नहीं होती, वो स्वीट होती है और दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती और ना ही खटास होती है और दोस्तों जायके के लिहाज से भी बेहतरीन फल है। इसे बहुत सारे तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसे जैम, जेली, मामलेट वगैरह बनाए जाते हैं, इसे डेजर्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों इसे स्वीट बेक फूड आइटम्स के अंदर यूज किया जाता है और दोस्तों नेटिव तौर पर यह ट्रॉपिकल रीजन का फ्रूट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दोस्तों इक्वेटर जितने भी कंट्री है वहाँ पे आपको आसानी के साथ ये मिल जाएगा। इसका सदाबहार दरख्त होता है। दोस्तों कमकॉर्ड फ्रूट के अगर न्यूट्रन फैक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है और दोस्तों मुनासिब मकदार के अंदर सोडियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। और दोस्तों अगर हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से देखा जाए तो कमकार्ड फ्रूट को खाने से दिल की सेहत बेहतरीन हो जाती है और दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, ज़हनी उलझनों का शिकार रहते हैं, अगर वो अपनी खुराक के अंदर कमकार्ड फ्रूट को शामिल कर लें तो उनके ये तमाम मसाइल जो है बीपी के हवाले से दूर हो जाएंगे। दोस्तों खांसी को और नज़ले को दूर करता है और दोस्तों डायबिटिक मरीज अगर इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करे तो शुगर के लिए बेहतरीन है, शुगर को यह कंट्रोल करता है और दोस्तों ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। दोस्तों कमकार्ड फ्रूट खाने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, खाना बहुत जल्दी से हजम होता है जिसमें से फालतू चर्बी को ये खत्म करता है और दोस्तों ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें पुरानी कब्ज है, इसे खाने से कब्ज दूर होती है। इसके अलावा पेट के अंदर गैस है, अगर पेट फुला हुआ है उसे भी ये ठीक करता है और दोस्तों कोते मुदाफियत में भी इजाफा करता है। दोस्तों इसे खाने के साथ एज अ सैलेड खाने से खाने को जल्दी हजम कर देता है और दोस्तों क्विक एनर्जी और ताकत देता है जिस्म को और दोस्तों इसी तरह स्किन के हवाले से भी ये बेहतरीन है, जल्द से दाग धब्बों को दूर करता है। दोस्तों इसके एसेंशियल ऑयल को बहुत सारे जो है क्रीम लोशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है और दोस्तों जल्द से दाग धब्बों को दूर करता है, झुड़ियों को दूर करता है, स्किन को खींच के रखता है और दोस्तों कमकॉर्ड फ्रूट आपको पाकिस्तान इंडिया के अंदर बड़ी फ्रूट मंडियों से आसानी के साथ मिल जाएगा। चले दोस्तों ये तो थे कमकॉर्ड फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रन फैक्ट्स सब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों कमकॉर्ड फ्रूट को मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसे एक सेशन के अंदर 50 से 100 ग्राम से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से पेट खराब होता है, स्टोमिक डिस्टर्ब होता है, आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों कमकॉर्ड फ्रूट को खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए, इसे हमेशा थोड़ा सा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें या खाने के दौरान इस्तेमाल करें वो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों अदरवाइज ये खाली पेट खाने से पेट के अंदर मरोड़ उठ सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे कमकॉर्ड फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, न्यूट्रन फैक्ट्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स। मम्मी करता हूँ आपको ये कमकॉर्ड फ्रूट के हवाले से जो मैंने वीडियो आपको बना के दिए आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और दोस्तों मजीद अगर आपका कोई सवाल है कमकॉर्ड फ्रूट के हवाले से जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यों नहीं कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के वाले से पूछना चाहते हैं, वो चाहे इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके और दोस्तों मेरी दूसरी मालूमाती वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जॉली अजीम को इजाजत दे। ओके जी, लव यू, टेक केयर।